इंडिया वर्सेज इंग्लैंड 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खत्म हो चुकी है। इस सीरीज का आखिरी मैच धर्मशाला में खेला गया और उसे भारतीय टीम ने आसानी से सिर्फ 3 दिन के अंदर पारी और 65 रनों से जीत लिया। ये टेस्ट सीरीज कई मायनों में खूब याद रखी जाएगी। अश्विन की 500 विकेट, एंडरसन की 700 टेस्ट विकेट या फिर रोहित शर्मा की कप्तानी भी, जिन्होंने इसी सीरीज में डेब्यू करने वाले कई युवा खिलाड़ियों के साथ मिलकर इंग्लैंड का दम निकाल दिया। लेकिन उससे ज्यादा इस सीरीज को याद रखा जाएगा टीम इंडिया के कुछ युवा खिलाड़ियों के चलते। ये सीरीज रिकॉर्ड्स वाली रही, कारनामे वाली रही और साथ ही साथ रही करियर बनाने वाली। टीम इंडिया के बहुत से युवा और उभरते हुए खिलाड़ियों ने इस सीरीज में अपना डेब्यू किया और ज्यादातर खिलाड़ी इस सीरीज में अपना इम्पैक्ट छोड़ने में कामयाब भी रहे। ऐसे ही 3 खिलाड़ियों की बात हम इस वीडियो में आगे करने वाले हैं जिनका करियर इस सीरीज के चलते ही अब बन चुका है। सबसे पहले नंबर 1 पर यशस्वी जायसवाल। ये कहना थोड़ा सा गलत रहेगा कि जायसवाल का करियर इस सीरीज ने ही बनाया। ये खिलाड़ी बहुत पहले अपना नाम क्रिकेट की दुनिया में बना चुका था, लेकिन इस सीरीज को जायसवाल के लिए लंबे समय तक याद किया जाएगा। जायसवाल ने इस सीरीज में सिर्फ 9 पारियों में 712 रन बनाए। सिर्फ 22 साल का ये लड़का इस सीरीज में 2 दोहरे शतक और 1 सेंचुरी भी मार चुका था। इंग्लैंड के खिलाफ इससे पहले एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम था, लेकिन अब जायसवाल इस रिकॉर्ड में टॉप पर पहुंच चुके हैं। इस सीरीज के बाद जायसवाल ने अपना ओपनिंग स्लॉट एकदम पक्का कर लिया है और उन्हें वहां से हटा पाना अब नामुमकिन है। नंबर 2 पर आता है सरफराज खान का नाम। अजिंक्य रहाणे के टीम से निकाले जाने के बाद टीम को मिडिल ऑर्डर के लिए एक अच्छे बल्लेबाज की जरूरत लंबे समय से थी। इस काम की जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर को लंबे समय तक सौंपी गई, लेकिन फिर खराब फिटनेस के चलते वो ज्यादा लंबे समय टीम में नहीं चल सके। इसके बाद अय्यर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया गया। इस सीरीज में फिर सरफराज खान को चांस मिला। इस बल्लेबाज ने अपने डेब्यू टेस्ट की दोनों पारियों में 50 लगाने के अलावा आखिरी टेस्ट में भी एक 50 और लगाई। स्पिन गेंदबाजी को कैसे खेलना है ये सरफराज ने लगातार इस सीरीज में इंग्लैंड के खिलाड़ियों को बताया। वहीं पेस पर भी ये खिलाड़ी काफी शानदार दिखा। जब टीम को तेजी से स्कोर करने की जरूरत थी तब भी सरफराज ने करीब 100 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। डोमेस्टिक में तो ये बल्लेबाज लंबे समय से जो करता है वो सभी ने देखा। ऐसे में सरफराज ने भी वो इम्पैक्ट इस सीरीज पर छोड़ा, जिससे ये माना जा सकता है कि उनकी जगह अभी तो टीम इंडिया में एकदम सेफ है। अगले नंबर पर बात होगी ध्रुव जुरेल की। ऋषभ पंत जब एक कार दुर्घटना में चोटिल हुए तो केएस भरत को टीम में बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज शामिल किया गया था। हालांकि भरत साल भर से ज्यादा समय तक टीम के साथ जुड़े रहने के बावजूद एक हाफ सेंचुरी तक लगा पाने में नाकामयाब रहे। ऐसे में टीम में ध्रुव जुरेल को शामिल किया गया और ये बल्लेबाज अपने पहले मैच की पहली पारी से ही तैयार नजर आया। जुरेल ने अपनी पहली पारी में 40 से ज्यादा रन बनाए, लेकिन इसके बाद उनका असली गेम देखने को मिला रांची टेस्ट मैच में। ये सीरीज का 4th टेस्ट मैच था। यहाँ टीम इंडिया पहली पारी में फंसी हुई थी और जुरेल ने गेंदबाजों के साथ बैटिंग करते हुए 90 रन अकेले ही बना दिए। ये खिलाड़ी अपने शतक से जरूर चूका, लेकिन टीम को मुश्किल सिचुएशन से निकाल गया। ऐसा ही कुछ अगली पारी में भी देखने को मिला। अगली पारी में जुरेल 39 रन बनाकर नाबाद रहे, लेकिन वो पारी बेहद महत्वपूर्ण थी क्योंकि वहां टीम इंडिया चेज कर रही थी और एक छोर से विकेट लगातार गिर रहे थे। अब ऋषभ पंत टीम में कब आएंगे ये तो सब बाद की बात है, लेकिन उससे पहले जुरेल ही टीम के फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर हैं। हमारे इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि इस सीरीज में इन 3 खिलाड़ियों के अलावा और कौन से ऐसे खिलाड़ी थे जिन पर बात करनी जरूरी है या फिर जिनका करियर इस सीरीज में बन गया। स्पोर्ट्स की तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए।